सिरमौर जिले में जल जनित रोगों की संभावना को देखते हुए जल शक्ति विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार महाजन ने बताया कि बरसात के बाद जल जनित रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए कर्मचारियों को जल भंडारण टैंकों की साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से भी विभाग द्वारा सहयोग की अपील की जा रही है। राजीव कुमार महाजन ने बताया कि इन भंडारण टैंकों की क्लोरीनेशन भी की जाएगी ताकि जल जनित रोगों के फैलने की संभावना को खत्म किया जा सके। ये जो एक डेढ़ महीना है, ये बीमारियों का सीजन आएगा, उसके लिए विभाग बिल्कुल एकदम एक्शन में है। हमने कंसर्न्ड एक्शंस को सारे टैंकों की सफाई के आदेश दे दिए हैं और वो कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। हमने इनको बोला है कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी करनी है, किसी ना किसी अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे वो उप प्रधान है, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है, किसी ना किसी देख रेख में वो अपने ज़रूर उसको अपने सफाइयों को करें और वो अपना उसका रिकॉर्ड भी रखें। सेकेंडली, इनको डायरेक्शंस दी हैं कि लोकल बॉडीज़, पंचायत वीडियो के माध्यम से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की माध्यम से उनको अवगत करा दें कि जितनी भी बोड़ियां हैं उनका सैंपल, उनकी साफ़ सफाई वो कराएं खुद, और विभाग से कोई ब्लीचिंग पाउडर चाहिए या कोई स्पोर्ट चाहिए तो विभाग उसके लिए बिल्कुल तैयार है, और विभाग उनको अपने कोऑपरेट करे ताकि वाटर सैंपल वो ले लें या विभाग के द्वारा कलेक्ट करवा लें। और वो हमारी अभी लैब एस्टेब्लिश्ड है, NABL क्रेडिटेड लैब है हमारी, उन लैब्स में वो पानी टेस्ट कर लें, टेस्ट करवा लें। अगर वो पानी पीने योग्य नहीं है तो वो उस बॉडी को, उस लोकल सोर्स को आम पब्लिक के लिए इमीडिएटली बंद करवा दें।